भारतीय पर्यटन के ब्रांच एम्बेसडर आमिर खान दिल्ली की ऐतिहासिक धरोहरों के कायल हैं। दिल्ली टूरिज्म की ओर से आयोजित वर्ल्ड टूरिज्म डे के रंगारंग कार्यक्रम में आमिर ने दिल्ली का दिल जीत लिया। देखने दो ना, देखेंगे अब जो हमारे पोता पोती आएंगे तो कहेंगे कि हमारे दादा दादी कितने रोमांटिक थे। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार, 100 साल बाद जब यहाँ कोई आएगा कहेगा कौन इडियट लिख के गया। जो आप कर रहे बच्चों, ये जो इमारत अंकल बिगाड़ने वाले थे ये 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी। अतिथि देवो भव, इंडियन टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान विज्ञापनों में सैलानियों को भारत आने और घूमने का संदेश देते नजर आते हैं, लेकिन वो खुद दिल्ली में ये संदेश देते दिखे। मौका था वर्ल्ड टूरिज्म डे का आयोजन, क्योंकि दिल्ली टूरिज्म का था, ऐसे में सीएम शीला दीक्षित भी मौजूद थी। वैसे टूरिज्म का मैं एम्बेसडर भी हूँ हिंदुस्तान के, और मुझे खुशी है कि इस दफा हम यहाँ दिल्ली में मना रहे हैं, क्योंकि दिल्ली जो है एक खास हिस्टोरिकल जगह है, एक टूरिज्म सेंटर है और दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। और वाकई में दिल्ली एक ऐसा शहर है जो हर आदमी विजिट करना चाहेगा। दिल्ली टूरिज्म का ये रंगारंग कार्यक्रम दिल्ली हाट में आयोजित किया गया। आने वाला वर्ष जब तक हम अगली 27 सितंबर तक नहीं पहुँचते हैं वो पानी पर सबको समर्पित है। आमिर खान दिल्ली हाट के पास ही अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, जहां से उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए भी कुछ खास तौर पर वक्त निकाला और रंगारंग कार्यक्रम को और रंगीन बना दिया। निवृत्ति मोहन, जी मीडिया, दिल्ली।